पटना सिटी के गाय घाट से वैशाली के तेरसिया घाट तक पीपा पुल बनकर तैयार हुआ तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और अब इस पर ट्रायल भी शुरू हो गया। बुधवार से ही ट्रायल शुरू हुआ है, गुरुवार से वाहनों का आवागमन भी चालू हो गया। जर्जर हो चुके गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 100 मीटर पूर्वी दिशा में पीपा पुल का निर्माण करवाया गया है, जो पटना से वैशाली का सफर आसान कर देगा। तो अब आप वैशाली और पटना की दूरी को कम समझिए। पटना से वैशाली अगर आप जाना चाहते हैं तो पीपा पुल आपके लिए होगा सुहाना सफर। गाय घाट से लेकर वैशाली के तेरसिया घाट तक बने पीपा पुल को वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर छोटे और हल्के वाहन आसानी से आ जा सकेंगे। ये वन वे है, साथ ही लोगों को गांधी सेतु जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से पटना से हाजीपुर का सफर तय किया जा सकता है। निर्माण एजेंसी के कर्मियों ने बताया कि पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसे यातायात पुलिस को सौंप दिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद अली अंसारी ने कहा कि वरीय अधिकारियों का निर्देश मिलते ही पीपा पुल पर परिचालन चालू कर दिया जाएगा। वाहनों के नियंत्रण के लिए जवानों को लगाया जाएगा। सोनपुर मेले के कारण गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है। पीपा पुल के रास्ते छोटे वाहनों को आसानी से निकाला जा सकेगा और सेतु पर दबाव को भी कम किया जा सकेगा। ग्यासपुर पीपा पुल चालू हो गया है और दियारा वासियों में अब खुशी की लहर है। बख्तियारपुर की अगर बात करें तो बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर स्थित गंगा नदी पर निर्मित पीपा पुल चालू हो जाने से यहां के लोगों में समझ लीजिए कि खुशी की लहरी दौड़ गई है। ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। पुल चालू होने से दियारा वासियों में खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि इन्हें अब सड़क से जुड़ाव हो जाएगा और वो सीधे शहर जा सकेंगे। इस पीपा पुल को छठ पूजा के दिन ही चालू करने की योजना थी, लेकिन अप्रोच रोड बनाने में विलंब हो गई, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद चालू किया गया। पीपा पुल खुलने से 50,000 की आबादी वाले दियारा क्षेत्र में फिर से रौनक लौट आई है। आवागमन सुचारू होने से ग्यासपुर बाजार में भी लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पीपा पुल शुरू होने से प्रखंड के काला दियारा, चिरैया, रूपस महाजी और रामनगर, सतभैया, हरदासपुर, दियारा पंचायत समेत वैशाली और समस्तीपुर जिले के कई गांव अब सीधे पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे 106 से जुड़ गए हैं। दियारे का लाइफलाइन पीपा पुल के चालू होने से पटना, वैशाली और समस्तीपुर जिले के 100,000 से ज्यादा की आबादी सीधे तौर पर लाभान्वित हो गई है। अब लोग पैदल या दोपहिया वाहनों से कुछ ही मिनटों में गंगा के इस पार या उस पार चले जा सकते हैं। पहले लोगों को घंटों नाव का इंतजार करना पड़ता था। भाजयुमो के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश यादव ने कहा कि पुल से सबसे ज्यादा सहूलियत बीमार रोगियों और गर्भवती महिलाओं को होगी, जो समय पर इलाज या प्रसव के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं। हम आपको बता दें कि इन इलाकों में जब पुल की व्यवस्था नहीं थी तो लोग नाव से सफर करते थे, जिसकी वजह से नाव ओवरलोड होने की वजह से न जाने कितनी बार डूब गई और कितने लोग जो हैं वो न चाहते हुए भी मौत के गाल में समा गए। लेकिन अब इन सब से निजात मिल जाएगा क्योंकि बन चुका है पीपा पुल। तो मनाइए खुशी और पीपा पुल पर कीजिए शानदार सफर। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रयास सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।